सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल पर्पस की वीडियो है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक रेजर ज़्यादा बेटर है या मोनो रेजर ज़्यादा बेटर है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है इन दोनों को चूज़ करने में कि पहले क्या बाय करें। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अपना रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज एंड आप लोग देख रहे हैं शर्मा जी आर्ट। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉम्बो मोनो इरेजर की। तो जो इसका टिप है वो अल्ट्रा फाइन टिप है एंड जो इसकी बॉडी है वो थोड़ी पेन शेप की बॉडी है एंड उसके बाद पीछे की साइड इसमें आपको बटन देखने को मिल जाएगा ताकि आप पुश करेंगे तो इसका रिफिल बाहर आएगा। एंड ये नॉर्मली जो है डिटेलिंग्स के लिए यूज़ की जाती है, फॉर एग्जाम्पल हेयर, आइज और एनी आर्टवर्क। लाइक आप कोई भी आर्टवर्क बना रहे हो उसके अंदर आपको डिटेलिंग्स करनी है तो आप मोनो इरेजर का यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक जैसे आइज बना रहे हो, हेयर्स बना रहे हो तो नॉर्मली आपको उसमें आप यूज़ कर सकते हो एंड जो इसकी प्राइस है वो ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस इलेक्ट्रिक इरेजर की तो इसका जो टिप है वो फाइन टिप में भी आपको यूज़ कर सकते हैं एंड इसमें जो है ब्लंट टिप बना के भी इसको आप यूज़ इजीली कर सकते हैं। ये हाईली इफेक्टिव है एंड लेबर सेविंग है। मीन्स चूँकि ये बैटरी इरेजर है तो इसमें आपका जो लेबर वाली जो चीज़ होती है वो आप कम हो जाती है। इसमें मतलब मेहनत आपको कम करनी पड़ती है और जो सारा काम होता है वो टोटली बैटरी का ही होता है। जस्ट सिंपली आपको उसमें बटन प्रेस करना है एंड आपकी जो डिटेलिंग्स है जहाँ पे आपको यूज़ करना है आप वहाँ सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। मेनली यूज़ फॉर शार्प डिटेलिंग्स, मीन्स जहाँ पे मोनो इरेजर कम यूज़ हो पाती है वहाँ पे आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको कोई पर्ल बनाना हो या क्लोथ की डिटेलिंग या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे मोनो इरेजर आप यूज़ नहीं कर पाते हो तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक इरेजर ज़्यादा इजीली आप इसको यूज़ कर पाते हो। कई बार आपने देखा होगा कि हेयर में शाइनिंग आ रही है एंड कुछ डॉट्स ऐसे हैं लाइक तो एकदम चमक रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिक रेजर का ही यूज़ होता है मेनली। एंड आपने देखा होगा स्किन पोर्स, तो स्किन पोर्स भी जनरली इसी से बनाते हैं लोग। हाँ, मोनो रेजर से बन सकते हैं बट इजी आपको इस इलेक्ट्रिक रेजर से ही पड़ेगा। एंड अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट 400 रुपीज़ ओनली। तो दोनों का प्राइस एकदम सेम है तो ऐसा क्या चीज़ है जो इन दोनों को अलग बनाता है। तो अगर मैं आपको अपना ये रिसेंट वाला आर्ट वर्क दिखाऊं जो अभी कमीशन वर्क में कर रहा हूं तो इसकी जो डिटेलिंग्स आप देख रहे हो सारी, ये सारी मैंने इस इलेक्ट्रिक इरेजर से बनाई है एंड ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई इस चीज़ को बनाने में क्योंकि मैंने इसको ये इलेक्ट्रिक इरेजर से बनाया है। जस्ट सपोज़ अगर मैं इसको मोनो इरेजर से बनाता तो मैं जो इसमें डिटेलिंग्स आ रही है मैं ये सारी डॉट्स नहीं बना पाता इस मोनो इरेजर से, क्योंकि हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आर्टवर्क में, आपने महसूस करी होंगी जब आप बना रहे होगे कॉन्स्टेंटली तो आपने देखा होगा कि कई सारी डिटेलिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप मोनो इरेजर चाह के भी यूज़ नहीं कर पाते हो, है ना। तो वहाँ पे आप अगर मोनो इरेजर का यूज़ करते भी हो तो वो शार्प डिटेल दिखता नहीं है, तो वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड वहाँ पे सिंपली बस आपको जो है बस बटन प्रेस करना है एंड वहाँ पे आपको डिटेलिंग के तौर पे उसको हल्का सा टच कर देना है तो आपकी डिटेलिंग वहाँ पे हो जाती है इजीली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पहले क्या बाय करें, कि मोनो रेजर बाय करें या ब्रुस्ट्रो की ये इलेक्ट्रिक रेजर बाय करें या इलेक्ट्रिक रेजर तो और भी कंपनीज की आती हैं या वो बाय करें। तो देखिए बजट वही है सेम दोनों का, 400 रुपीज़। बजट आप पे ज़्यादा है तो आप दोनों बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन लोगों पे थोड़ा बजट का इशू रहता है तो उन लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मोनो रेजर बाय कीजिए क्योंकि मोनो रेजर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप इससे ऑलमोस्ट सारे आर्टवर्क्स बना सकते हो, लाइक जो नॉर्मली आप बनाते हो, लाइक हेयर हो गया, आइज हो गई एंड एनी आर्टवर्क जिसमें आपका डिटेलिंग्स का आ रही है उसमें आप बना सकते हो। इवन आप इससे स्किन पोर्स भी बहुत अच्छे बना सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले मोनो रेजर बाय कीजिए क्योंकि मोनो रेजर का यूज़ सबसे ज़्यादा है पूरे उसमें आर्टवर्क में एंड इलेक्ट्रिक रेजर सेकेंडरी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे कुछ डिटेलिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मोनो रेजर का यूज़ उतना इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो पाता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या किस प्रोडक्ट रिव्यू पे चाहिए आप वो भी मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। योर सपोर्ट इज़ वॉट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर स्टफ लाइक दिस। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।